गुजरात की स्पेशल दाबेली बनाना सिखाऊंगी। चलिए आज अपन शुरू करते हैं। गाइज, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि क्या लगेगा दाबेली के लिए। सबसे पहले मैं इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये इमली की चटनी आप चाहें तो साल भर तक का इसको अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया है, केवल एक चम्मच तेल लिया है। और ये मैं खड़ा धनिया, जिसको मैंने थोड़ा क्रश किया, और सौंफ, इन दोनों को मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी। इसी में जस्ट में मैं ज़्यादा लाल नहीं होने दूंगी, इसी में मैं एक चम्मच लाल मिर्च, ये मैंने आधी डाली थी, आधी और डाल रही हूँ। और एक पिंच हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये मैंने इमली का पल्प निकाला हुआ है वो ऐड करूँगी। और इसी को मिक्स करते हुए मैं इसमें जितना मैंने इमली का पल्प लिया था एक कटोरा, उतना ही मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें मीठी चटनी की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। और मैं इमली की चटनी में दो चम्मच शक्कर डालती हूँ, जो आप साल भर भी रखेंगी तो इसके अंदर कलर में कोई चेंज और टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और बस इसे हम 5 से 7 मिनट तक बॉईल होने देंगे ताकि गुड़ भी गल जाए और ये काफ़ी अच्छी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए, जब तक इसमें उबाल आ रहा है, मैं आपको दूसरी चटनी जो हमारी मीठी चटनी को इन्हांस करता है ये बनाने जा रही हूँ। मैंने ये लाल मिर्च है, जो अगर तीखी है तो आप उसके बीज निकाल सकते हैं, मैंने इसके बीज निकाले हैं, वरना जो मोटी वाली लाल मिर्च आती है आप वो भी ले सकते हैं। मैं ये मिर्ची डालूँगी और साथ में इसी का पानी डाल दूंगी। जितनी मिर्ची ली मैंने उतने लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी, जो कलर को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। एक चुटकी जीरा और कुछ मूंगफली के दाने, जो उसको ज़्यादा लिक्विड नहीं होने देगा, और नींबू का कुछ रस। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारी तीखी चटनी भी तैयार हो चुकी है और देखिए, अब हमारी इमली की चटनी भी अच्छा खासा उबाल आ चुका है। देखिए गाइस, अब हमारी दोनों चटनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और ये इमली की चटनी भी रेडी हो चुकी है। देखिए इसमें भी बहुत सुंदर कलर आया। आप इसे साल भर तक रख सकते हैं और इस चटनी को आप एक हफ्ता तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। अब हम आलू का मसाला बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं 2 चम्मच ये तेल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और साथ में प्याज भी इसी में ऐड करूंगी। प्याज हल्के से गुलाबी होने देंगे हम। अब ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे ओनियन, अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ और इसी में मैं धनिया पाउडर और लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं आलू, जो हमने ये 4 उबले हुए आलू हैं और इसको अच्छे से मैश कर रखा है, अब मैं वो ऐड कर रहा हूँ। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। और साथ ही मैं ये हमने जो दाबेली मसाला है ये 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा ये मसाला भून चुका है। इसमें मैं जो हमने इमली की चटनी बनाई थी वो 2 से 3 चम्मच में डालूंगी, क्योंकि ये जो मसाला होता है काफ़ी खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है इसका। तो मैंने ये 3 चम्मच इसमें इमली की चटनी डाली है और अब थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मैं साथ में इसमें 2 से 3 चम्मच करीबन पानी भी ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये आलू का मसाला भी रेडी हो चुका है। ये हमारा मसाला अब रेडी हो चुका है। अब हम मसाला पीनट की तैयारी करते हैं। मसाला पीनट के लिए हम थोड़ा सा एकदम तेल डालेंगे और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो तब हम उसमें ये सेक कर मैंने पीनट के 2 टुकड़े कर लिए हैं इसको डालेंगे। हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो बेसिक मसाले हैं। उसमें मैं ये लाल मिर्च थोड़ी सी डालना है और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और जो ये हमने दाबेली मसाला है 1/2 चम्मच वो भी ऐड करेंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा मसाला पीनट रेडी है। अब हम आपको बताएंगे कि दाबेली को जो प्लेट में लोग जहाँ पर सर्व होता है उसको किस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम उस तरीके से इसको लगाएंगे। दाबेली लगाने का तरीका ये ऐसा ही होता है। दाबेली के मसाले को पूरी प्लेट पे फैला देंगे। इसके बाद हम इस पे प्याज डालेंगे। बारीक कटे हुए प्याज को अच्छे से पूरी जगह फैला देंगे और जो हमने मूंगफली मसाला बनाया है उसको भी अच्छे से फैला देंगे। फिर ये बारीक सेव, अनार के दाने और इस पे हरा धनिया। देखिए हमारा मसाला तैयार होने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा। कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और साथ ही में ये दाबेली बनाने की तैयारी हो चुकी है। पूरी चटनियाँ, पीनट्स मसाला, ऑनियन, अनारदाने, सेव सब। अब हम पाव बनाने की तैयारी करते हैं दाबेली को। पाव को हमने बीच में से कट कर दिया है। अब इसमें हम लाल चटनी, जो तीखी चटनी है, उसको अच्छे से लगाएंगे दोनों तरफ और साथ ही में इमली की चटनी भी हम दोनों तरफ लगाएंगे। और फिर जो हमने मसाला रेडी किया है उस मसाले को भी प्रॉपर चारों तरफ लगाएंगे। अब इसमें हम बारीक कटे प्याज, पीनट्स के दाने और बारीक सेव, अनार के दाने और हरा धनिया डालकर इसे बहुत अच्छे से पैक कर देंगे। अब हम 1 चम्मच बटर लेंगे तवे पे और ये पाव को बहुत अच्छे से इस पर रखकर सेकेंगे। ऐसे दूसरी ओर भी हम अच्छे से बटर लगा देंगे और इसे पलट कर भी सेकेंगे। अब हमारा पाव अच्छे से सिक चुका है। इसे हम प्लेट में लेंगे। इसी तरह का हम और भी पाव को रेडी कर लेंगे। हमारी दाबेली रेडी हो गई है पर अभी भी ये सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से ऊपर से सजाएंगे। ये मैंने जो लाल चटनी बनाई है तीखी वाली, सबसे पहले मैं वो ऊपर लगाऊंगी। फिर साथ में मीठी चटनी, प्याज, बारीक सेव। अब हम अनारदाना डालेंगे। अब हम धनिया डालेंगे।
जो रेसिपी है पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।